मेरा नाम रमेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी रचना से हुई। रचना और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। रचना बहुत ही सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। रचना जब शादी करके मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाऊँ कपड़े का। मैंने रचना को इसके बारे में बताया। रचना को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने रचना को चलने को कहा क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है, रचना अपने मायके चली गई, मैं अपने गांव चला गया। रचना से मैं फ़ोन पर बात किया करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वो कुछ बदली बदली थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ क्या बोलना चाहती हो। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं अभी नहीं, आपको मिलकर बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब रचना को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था क्योंकि वो ख़त्म करके ही मैं जल्दी से रचना के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रचना को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात फिर फ़ोन किया क्योंकि दिन भर बात ना हो, लेकिन रात में ज़रूर बात किया करते थे, लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है, अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं रचना से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक न रचना का फ़ोन आया न उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि रचना कहाँ है। वो बोली रचना अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा इसीलिए बात नहीं हो पा रही। मैं भूल गया था, रचना ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। रचना वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी रचना से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपने पत्नी के घर ही गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुझे देखकर मेरी सास खुश होने की बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि रचना कहाँ है। वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि नहीं आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से रचना से बात नहीं हुई है। वो कुछ देर सोचती रही फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रचना से बात किए हुए। रचना पर गुस्सा आ रहा था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, साथ उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी के भी फ़ोन से बात कर सकती थी, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा।
मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रचना उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया, क्या मैं पुलिस के पास जाऊंगा मेरी इस धमकी से। शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है रचना। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि रचना किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन यही सच है, तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसीलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। रचना मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वैसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे न मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रचना स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। रचना की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने रचना को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रचना नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रख सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उनके घर की खिड़की पर पड़ी। मुझे दिखाई दिया कि रचना एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका लेकिन मैं नहीं माना। अंदर मैं कमरे में गया तो रचना को देखकर मैं हैरान रह गया। रचना व्हील चेयर पर बैठी थी। रचना ने मुझे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा कि यह क्या हुआ। रचना बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, रचना जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी, तुम्हें न बताए, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है रचना अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन रचना ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का और उनकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी, इसलिए रचना ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है। मैं उससे कहा कि रचना, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती। रचना ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। रचना ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाएं, दूसरी शादी कर लीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। रचना की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसने इन्हें रोक रखा होगा। मैंने रचना को बीते कुछ महीनों में न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो रचना को एक पल भी अपने दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने रचना की एक बात नहीं सुनी। मैं रचना को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में रचना को दिखाया है।
उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ